हालत खराब है यार, सर में दर्द है इतना, चले तक नहीं जा रहा, लेकिन बड़ी मुश्किल से पहुंचा। मैं सोचा था किसी फ्रेंड को वहां से लेके आऊँ साथ में, लेकिन कोई भी नहीं मिला आने के लिए। फिर मैं अकेला, यानी तो रास्ते में मैं व्लॉग करते करते आता यार, आपको पता है मैं बाइक पे कभी नहीं छोड़ता ये चीज। सो गाइस यार, देख सकते हो आप, मैं फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ में इतना बता देना चाहता हूँ कि हेलमेट लगा के कहीं स्कूटी वगैरह ले जा रहा हूँ। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है सनम शेख व्लॉग्स। उम्मीद करता हूँ आप सब एकदम बढ़िया मस्त और स्वस्थ होंगे। तो यार आज थोड़ा लो फील हो रहा है क्योंकि मैं सुबह से बीमार था काफ़ी, अभी शाम के करीब करीब 4:30 का टाइम हो रहा है। तो मैंने सोचा था चलो व्लॉग आज दिन को ही करूँगा, कहीं जाऊँगा मार्केट वगैरह, लेकिन हालत ख़राब थी यार, बेड से उठ ही नहीं पाया अगर मैं सही बोलूँ तो। इतनी ज़्यादा हालत ख़राब थी यार, थोड़ी फिर दवाई वगैरह घर पे कुछ थी वो खाई, उससे थोड़ा स्टेबल हुआ, तो अब जा रहा हूँ वापस से मेडिसिन लेने, काफ़ी ज़्यादा बीमार था। लेकिन यार आज अपने बड़े भैया की स्कूटी लेके जा रहा हूँ, तो जल्दी वापस आऊँगा और उसके बाद देखते हैं क्या सीन रहता है आगे। लेकिन यार फिलहाल मैं अपने घर से निकला हूँ, तो यहीं से मैंने व्लॉग स्टार्ट कर लिया, तो अब चलते हैं जाके स्कूटी वगैरह स्टार्ट करते हैं, उसके बाद करते हैं आपसे बात। गाइस यार ये लगी है अपनी स्कूटी और भाई साहब गाड़ी अभी अंदर लगाई है, निकलते हैं यार अब थोड़ी देर तक, पहले हेलमेट वगैरह निकाल लेते हैं उसके बाद पहले स्टार्ट करते हैं स्कूटी। सो गाइस यार देख सकते हो आप, मैं फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ में इतना बता देना चाहता हूँ कि हेलमेट लगा के कहीं स्कूटी वगैरह ले जा रहा हूँ, क्योंकि इससे पहले जब सीखी थी उस टाइम मैंने विदाउट हेलमेट सीखी थी और चलाई भी थोड़ी बहुत, लेकिन उस टाइम हेलमेट वगैरह ऐसे इंडिविजुअली मैं लगा के नहीं गया। तो अब देखते हैं, निकलते हैं यहाँ से रास्ते में आगे जाके, उसके बाद बात करते हैं आपसे। लेकिन यहाँ से फिलहाल टाइम ना वेस्ट करते हुए निकलते हैं क्योंकि वापस आके काम भी है थोड़ा। सो भाई साहब दवाई वगैरह मैंने ले ली है, तो यहाँ से निकलने वाले अब, स्कूटी ये सामने लगाई थी मैंने, आसिफ की दुकान पे आया था थोड़ी देर के लिए। और हालत ख़राब है यार, सर में दर्द है इतना, चले तक नहीं जा रहा, लेकिन बड़ी मुश्किल से पहुंचा। मैं सोचा था किसी फ्रेंड को वहां से लेके आऊँ साथ में, लेकिन कोई भी नहीं मिला आने के लिए। फिर मैं अकेला, यानी तो रास्ते में मैं व्लॉग करते करते आता यार, आपको पता है मैं बाइक पे कभी नहीं छोड़ता ये चीज़। एक चीज़ और मैं आपको बताऊँ यार, इस हेलमेट पे मेरे माउथ नहीं है, इसकी वजह से मैं अभी फिलहाल कोई फ़ोन वगैरह उस पर होल्ड नहीं कर पाया। तो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता यार लेंगे अपने सारे गियर्स वगैरह व्लॉगिंग के लिए, तो आप दुआ करें और ऐसे स्पोर्ट बनाए रखें। लेकिन फिलहाल यहाँ से निकलते हैं, तो ज़्यादा टाइम भी यार अकेला ही जाना पड़ेगा, तो घर पहुंचता हूँ उसके बाद देखता हूँ क्या सीन रहता है, थोड़ा काम भी है, तो आपको देंगे अब आगे चल के अपडेट। तो गाइस यार स्कूटी पीछे पार्क कर दी है, अब करनी है गाड़ी स्टार्ट और हमें जाना फैसल के घर, थोड़ा काम था वहाँ पे, तो गाड़ी लेके अब निकलेंगे। एक्चुअली ये प्लानिंग नहीं थी, अचानक ही प्लान बना तो यहाँ से अब निकल रहे हैं, तो वरना मैं घर चला जाता, दवाई साथ है और बालों की हालत मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया भी था राइडिंग वाले की, जब बंदा निकलता है हेलमेट हो या ना हो तब भी ऐसी हालत होती है, लेकिन आज हेलमेट था तो ज़्यादा एकदम चिपकू वाले हो गए, तो इग्नोर दैट। सो अब निकलते हैं यहाँ से गाड़ी लेके, करते हैं स्टार्ट गाड़ी को, उसके बाद आगे चल के आपसे बात करते हैं। सो गाइस गाड़ी स्टार्ट करके मैं निकल चुका हूँ यार, थोड़ी देर तक आप पहुँचेंगे फैसल के घर, और टाइम लगेगा तो शाम तो ऑलरेडी हो ही चुकी है, तो वहाँ पहुँचेंगे और उसके बाद इस ब्लॉग को ख़त्म करेंगे। फिलहाल आप जाते हुए रास्ते का नज़ारा लीजिए यार, फुल ऑन। अभी चंडक पहुंचे हम, तो थोड़ी देर तक यहाँ से थोड़ा सामान लेना था, यहाँ से निकलेंगे तो अंधेरा पड़ गया यार, आपने पीछे वीडियो में देखा ही होगा, तो अब सीधा पहुंचेंगे वहाँ पे, थोड़ी देर और लगेगी यहाँ से, तो वहाँ पे पहुँच के उसके बाद इस ब्लॉग को करेंगे ख़त्म और करेंगे आपको गुड बाय। टिल देन आप जुड़े रहें यार, जाना मत कहीं, स्किप मत करना, तो अभी फिलहाल वहाँ पहुँचना है डेस्टिनेशन। भाई साहब यहाँ से निकलने से पहले मैं आपको ये थोड़ी दुकान दिखा देता हूँ यार, बड़ी मस्त जगह है यहाँ पे, और मतलब हर चीज़ मोस्टली मोस्ट प्रॉब्ली हर चीज़ यहाँ पे अवेलेबल मिलती है। जब भी आता हूँ यहाँ पे कहीं पर रुक जाता हूँ जब टाइम होता है उस टाइम, थोड़ा सा आप देख लीजिए इस दुकान का नज़ारा जब आप आएँ यहाँ पे रुकें यार, खाने से लेके फास्ट फूड से लेके आपको हर चीज़ मतलब एक पोल्ट्री वगैरह ऐसी हर चीज़ मिलेगी। तो यार मेरे बाल थोड़े अजीब लग रहे हैं, लेकिन चलो इग्नोर करिए इसको फिलहाल, थोड़ा बहुत मैं आपको इस दुकान को दिखा देता हूँ एक बार यार, बोले भी नहीं जा रहा आज, हालत ख़राब है यार गले की, लेकिन चलो थोड़ा एडजस्ट कर लो, इंशाल्लाह जल्दी ठीक हो जाऊँगा, दवाई ले आऊँ। तो फिलहाल आप थोड़ा सा पहले इस दुकान का व्यू देख रहे हैं, ये देखिए यार बहुत ज़्यादा बड़ी दुकान है ये, और इवन के यहाँ से अगर इस साइड जाओ इधर आपको किचन वगैरह देखने को मिलेगी, दिस वन पूरा एकदम ब्रॉड एरिया, और यहाँ से आप देखो यार हर चीज़ अवेलेबल, और माशाल्लाह खूबसूरत जगह है ये, और ये सामने देखें यार
इस जगह पे आपको बेकरी वगैरह वाली चीज़ें मिलेंगी और कोल्ड ड्रिंक वगैरह जो भी आपको केक वगैरह वो चीज़ें जो चाहिए। तो ये रहा यार पनीर वगैरह मुर्गा यहाँ पे सब मिलता है यार जो भी आपको चाहिए। चुका फैसल के पास तो ये है भाई साहब हमारे फैसल माशाल्लाह आज इन्होंने एकदम फेरन डाला हुआ यार कश्मीरी फेरन तो क्या ही खूबसूरत लग रहे हैं यार बाल छाल कटा के आज एकदम बढ़िया वाला पोज दे रहे हैं। तो कैसे हो आप? बस अल्लाह का मैं अभी जस्ट इंटर होते ही मैंने वीडियो स्टार्ट कर ली थी और ये सामने ही था तो मैंने सोचा चलो यार अब यहीं से इसको पकड़ लेते हैं और आपको भी रूबरू करा देते हैं यार। दिन ब दिन बंदा बहुत जवान हो रहा है यार इसकी दाढ़ी देखिए माशाल्लाह। तो अब यार इस व्लॉग को मैं ज़्यादा लंबा क्या ही करूँ अब यहाँ पे पहुँच चुके हैं और रात भी हो चुकी है तो फिलहाल करें एंड या फिर आपको कुछ बोलना है? करते करते कोई अपना कोई ऐसी कोई स्पेशल चीज़ दिखानी है नहीं कुछ? अच्छा नहीं बिल्कुल नहीं चलो करते हैं यार फिर इस व्लॉग को यहाँ पे एंड। तो मिलते हैं अब एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरा चैनल जो है नए व्यूवर्स सब्सक्राइब कर दो यार प्लीज़। मुझे पता है यार जो मैक्सिमम लोग जो आके देख के चले जाते हैं यार लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते यार प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो और लाइक भी कर दिया करो वीडियोस को यार शेयर भी कर दिया करो शेयर सबसे ज़रूरी है। जितना शेयर करोगे यार उससे उतना ही हमारी जो यूट्यूब फैमिली जो है इंक्रीज़ होगी। तो अब इस व्लॉग को करते हैं यहाँ पे ख़त्म। तो यार मिलते हैं अब एक नई वीडियो में, टिल देन कीप वॉचिंग सनम शेख व्लॉग। सो गुड बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।